ऐसा पकड़े जाते हैं, ऐसा होता है, सब डर है। आप पढ़ो, पढ़ने के बाद आप हिम्मत आती है कि आप अध्यय का गला पकड़ लें, पकड़ने के अलावा इंशाल्लाह एक की आवाज़ नहीं आती। तो बरात अपने दिलों से अगर हम डर निकाल दें, अगर आप बोलते बच्चों को चलाओ या बात करो, तो घरों में तो आवाज़ वगैरह बहुत होते हैं, लेकिन माइक में बात करने की आपको हिम्मत नहीं होती, वो भी एक डर है। एक मरतबा आप माइक पकड़ लिया और अच्छी बात कर लिए तो आपके अंदर एक ख्याल आ जाता है कि भाई मैं नहीं डर, वो ख्याल को बरकरार रखना है आपके अंदर। यानी वक्ती तौर पर आदमी हैबत भी खाता है, वक्ती तौर पर आदमी बहादुर भी बन जाता है। जब बहादुर बन जाता ना, तो बहादुरी के आपको अपने अंदर कायम रखना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ, हमारे हैदराबाद के मजलिस कारकुनान यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए हज़रत फजील साहब, इस्तकबाल करता हूँ जारी, आप इस्तकबाल कीजिए। बड़ी खुशी हुई मेरे को देख के, हैदराबाद में देख के तो बुजुर्गों को इससे अव्वल है हमारे मजलिस। अरे जल्दी आके मुलाकात तो लो, फिर वक्त हो जा रहा हमारा नमाज का, मजा हो गया। आप भी पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हर साल सारा रविंद्रत मॉडल पेपर की तस्सीम होती है। पिछले दो दफ़ा कोविड की वजह से यहाँ पर नहीं, इससे पहले भी मैं आके तस्सीम करके गया था यहाँ पर, और यही टाइम था वहाँ से पूरे कल्लते में आए थे, मगरिब के वक्त यहाँ पर आके दिया था। इससे लोग कहते हैं कि अच्छे नतीजे निकल रहे हैं, और तकरीबन लोगों का ये इशार है कि ये सिलसिले को जारी रखिए, इसको ख़त्म मत करिए ना रोकिए। खुशन तलबा और तालिबात इसमें कहते हैं कि हमारे को मदद हुई इससे, और इस पर स्टडी करने से हमारे नंबर अच्छे आए, हम कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और दीगर जो बच्चे हैं दसवीं क्लास के, तो सारा रमिलत के यही इशार था कि दसवीं जमात उर्दू मीडियम के जो सरकारी मदारस में गरीब बच्चे तालीम हासिल करते हैं उनकी इमदाद की जानी चाहिए। ये मॉडल पेपर माहिर तालीम से तैयार किया गया और इंशाल्लाह ये 100% लोगों के लिए कारामद साबित हो रहा है। इस पर स्टडी कीजिए, पढ़िए और अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल कीजिए, ज़िंदगी में तरक्की कीजिए। इल्म के बगैर कोई तरक्की नहीं कर सकता, इल्म के बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए बेहतर है कि सब अपनी तालीम को जारी रखें और अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल करें। माँ बाप को मैं आपके मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके माँ बाप ने आपको जेवर तालीम से आरास्ता करने का फैसला किया है। यकीनन उनका ये सोच, उनका ये इकदाम काबिल मुबारकबाद है। मैं तमाम तलबा तालिबात के वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ, वो अपनी मुसीबतों को उठाते हुए, कई मुश्किलात का सामना करते हुए अपने बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता कर रहे, लायक मुबारकबाद है वो। और आज के दौर में नए नए हालात हमारे सामने आते हैं, इसके लिए हमको चाहिए हम तालीम हासिल करके हर चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। जहालत से हम किसी काम का मुकाबला कर सकते हैं ना जवाब दे सकते हैं, इल्म रहेगा तो हमको जवाब भी दे सकते हैं और सलीके से हम मुकाबला भी कर सकते हैं। हम मुकाबले से मुराद ये नहीं कोई जाके झगड़ा करो या कोई मसला पैदा करो, नहीं, हम अपनी जगह अपना काम करते रहें। कोई हमारे मसाइल को पूछता है, हमारे मसाइल को छेड़ता है, तो उसको जवाब देने के मौके पर रहना, इतनी मालूमात इतना इल्म हमारे पास रहना कि हम इसका जवाब दे सके। अब जैसे हर थोड़े दिन को एक नया फसाद होता, अब के इलाके में क्या है, निकाब के ऊपर, हिजाब के ऊपर इतराज़ात किए जा रहे हैं। आपको इल्म रखना चाहिए, ये हिजाब हमारा इस्लामी तरीका है, और जो लोग मुतबरिक होते हैं उसको अल्लाह पर्दे में रखता है, जो मुकद्दस होते हैं उसको पर्दे में रखता है। गिलाफ काबा हमारा, गिलाफ काबे के ऊपर गिलाफ उड़ा हुआ रहता है, वो हमारा किबला है, उसकी हुरमत है, उसका तकद्दस है, इसलिए उसको गिलाफ काबा उड़ा के रखते हैं। पुरानी मजीद हमारी किताब है, और जूझदार में कपड़े में रहती, वो भी मुकद्दस किताब का हो। जैसा कि आप जानते हैं कि मगरिब का टाइम करीब है, इसलिए जो है बिल्कुल शार्ट प्रोग्राम करते हुए जनाब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा डॉक्टर महदे उमूमी, जनाब अहमद पाशा कादरी साहब, MLA राहुलपुरा, सदर राहुल साहब, सेक्रेटरी अजीज साहब, और रुफाए मजलिस, और शमशीर अली साहब, आइए आप लोग पिनाते रहिए। Yeah.
सबसे पहले आपको ये बताते चले कि जो मॉडल पेपर था जो ये निकाह अमल में आया, ये सालार मोहरम उनके ज़माने से ये चलते हुआ आ रहा है और बाकामयाब तरीके से इसका यानी इसका जो रिजल्ट है बहुत कामयाब है, जिसकी वजह से बारहा लोगों के यानी रिक्वेस्ट पर ये अभी तक चलते हुआ आ रहा। और अब जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब बैरिस्टर और सदर मजलिस ने इसको उसको कायम करते हुए अभी भी उसको जारी रखा हुआ है। और हर जगह पर तेलंगाना में हमारे मजलिस के MLA जाकर बिलखसूस इसकी अहमियत को जताते हुए ये बच्चों के हवाले करते हैं ताकि वो लोग इसकी अहमियत जानकर इससे इसका मुतालिया कर इससे मदद लेकर अच्छे से अच्छे नंबरात हासिल करें और खूब तरक्की करें, ना सिर्फ मक्थल जैसे आपके मुल्क गाँव का बल्कि तमाम हिंदुस्तान में आप अपना नाम रोशन कर सकें। उसके लिए ये बुक आपके लिए आप तक पहुंचाई जा रही है। इसकी अहमियत को जानते हुए आप लोग इस पर यानी गौर करते हुए इसको यानी गौर और होश के साथ पढ़कर इसके बेहतरीन नंबरात हासिल कर आप अपना और अपने गाँव का नाम रोशन करें। और इस बुक के लिए और हमारी इसकी जो यानी ये आप तक जो पहुँचाए हैं उसके लिए जनाब असद साहब और जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब और तमाम MLA मजलिस और तमाम मजलिस जमात के लिए दुआगो हों और उनके लिए उनके हक़ में दुआ करें। अल्लाह उनको और उनकी हिफाजत फरमाएं और मजलिस को खूब तरक्की अता फरमाएं।